पिछले 26 सालों से साइकिल रिक्शा चलाता हूँ यार, लेकिन मैं अपने घर वालों को तक ये नहीं बता पाता हूँ कि मैं कहाँ रिक्शा चलाता हूँ, पुरानी दिल्ली या पहाड़गंज ये बताता हूँ। राजधानी की सबसे बदनाम गलियों में हर चीज की मनाही है। यहां स्वतंत्रता शब्द का अर्थ अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका। यहां की इमारतें सब कुछ खो चुकी हैं। यहां की इमारतें सदियों से लुट रही हैं। सभी ने इन इमारतों को हे की नजरों से देखा है और सफेद कपड़ों वालों ने तो इसे गंदगी समझा है। यहां से बाहर वाले इसे दलदल बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस मंडी में कभी मंदी नहीं आती। ग्राहकों की कतारें कभी कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसे दलदल कहा जाता है। बदनाम गलियों में कितने ही लोग आकर रोजाना गुजर जाते हैं, लेकिन दामन पर कोई दाग नहीं ले जाता, बल्कि इन गलियों में गंदगी को यूं ही छोड़ जाते हैं। यहां की खिड़कियों से झांकती महिलाएं आंखों की ओर तो देखती हैं, लेकिन आंखों में नहीं देखती। उनकी आंखों के सपने अब खत्म हो चुके हैं। रात होते ही यहां कितने ही सपने सच होते हैं तो कितने ही सपने चूर हो जाते हैं। इमारतें हर राज छिपा कर रखती हैं, लेकिन एक राज है जो सबको पता है कि दिल्ली के जीबी रोड का आखिर क्या पता है। आज मैं एक ऐसे तिराहे पर खड़ा हूं जहां से तीन सड़कें निकलती हैं। एक सड़क दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, तो दूसरी सड़क जो है वो जामा मस्जिद से जोड़ती है, लेकिन तीसरी सड़क जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क का नाम है जीबी रोड। जीबी रोड के नाम से इस सड़क जानी जाती है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक रिपोर्ट को कवर करने कि जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, वो लोग जो यहाँ पर सौदेबाजी करते हैं, जो हवस की जो यहाँ पर सौदेबाजी होती है वहाँ तक ठीक है, लेकिन और लोग जिनके पतों में जीबी रोड आता है वो आखिर कैसे जीते हैं, जिनको एड्रेस में भी कोई भी चीज़ मंगानी हो उसमें एड्रेस में भी अगर जीबी रोड लिखना पड़ता है वो किन समस्याओं का सामना करते हैं। क्योंकि जीबी रोड का नाम सुनते ही जहन में जो तस्वीरें आती हैं, जहन में जो ख्याल आते हैं वो यही है कि यहाँ पर सौदेबाजी होती है, धंधेबाजी होती है, यहाँ पर हवस का सौदा किया जाता है, जिनके चलते ये इमारतें जो हैं वो सब कुछ लुटा चुकी हैं। यहाँ की जो इमारतें दिखती हैं वो दरअसल ऐसी नजर आती हैं कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से लूटा जा चुका है। वो लोग जो यहां के व्यापार में शामिल नहीं हैं, उनके मानसिक जिस्मों पर लगने वाले जख्मों और खरासों से कितनी टीसें उठती होंगी, ये वो सवालात हैं जो आज का आवाज करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हवस के कारोबार में कोई मुनाफा कमा रहा है तो कोई अपना सब कुछ गंवा रहा है। ये सब कुछ हमारे मुआशरे का हिस्सा है, एक लाजमी हिस्सा। इन गलियों को कब बनाया गया, किस नियत से बनाया गया, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ की परेशानियों से लेकर समाधानों तक पर खूब बात हुई है, देर रात तक हुई है, लेकिन रात के सन्नाटों में चीखता जीबी रोड उनकी नींद में खलल का काम जरूर करता होगा, जो मुनाफे की नहीं चैन की नींद चाहते हैं। क्या नींद में भी उनको इस बात का डर रहता है कि उनके पते पर लोग जिस्म का सौदा करने आते हैं? बस इमारतें अलग हैं तो क्या हुआ, पता तो वही है कि जिस पते को सुनते ही तमाम तस्वीरें आंखों को घेर लेती हैं। जीबी रोड की गलियों में लोग जिस्म की तलाश में आते हैं, लेकिन क्या जीबी रोड पर सिर्फ हवस का व्यापार होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां कई सैकड़ा परिवार ऐसे भी हैं जिनका जीबी रोड से तो ताल्लुक है,
लेकिन यहाँ जो कुछ चलता है उसका इन्हें कोई लुक तक नहीं है। ये लोग इन्हीं गलियों से गुजरते हैं, अब इनकी आदत हो चुकी है, लेकिन क्या कोई इन गलियों से गुजर रही महिलाओं को निहारती उन नज़रों को बता सकता है कि ज़रा ठहरिए, इनका इन गलियों से ताल्लुक है लेकिन इस पेशे से नहीं, कि जिसको घंटों के हिसाब से खरीदा बेचा जाता है, जिस वजह से जीवी रोड को भी जाना जाता है। वो काम करने वालों के लिए आसान है, मसलन पराठे वाली गली पर पराठे बेचने वालों पर हैरानी कैसी, लेकिन जो लोग जीवी रोड के पते पर तो आते हैं लेकिन यहाँ से जाते हुए भी हिचकिचाते हैं, उनका क्या, वो क्या महसूस करते हैं, उनके हर एहसास को बताने के लिए जीबी रोड पर हमें ये शख्स मिले जो बीते 26 साल से इन बदनाम गलियों में रिक्शा चला रहे हैं। जीबी रोड जिस वजह से मशहूर है वहाँ तक ठीक है, लेकिन और भी लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, कोई कहीं काम करता है, कहीं जॉब करता है, आप रिक्शा चलाते हैं, ऐसे वो जो लोग हैं जो जीबी रोड के नाम से असहज हो जाते हैं, उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैं पिछले 26 सालों से साइकिल रिक्शा चलाता हूँ यार, लेकिन मैं अपने घर वालों को तक ये नहीं बता पाता हूँ कि मैं कहाँ रिक्शा चलाता हूँ। मैं पुरानी दिल्ली या पहाड़गंज ये बताता हूँ। यहाँ जो दुकानदार हैं उनके रिश्तेदार जो है और वो पूछते हैं कि आपकी दुकान कहाँ है, तो वो श्रद्धानंद नामक इसको नाम चेंज कर दिया है, श्रद्धानंद मार्ग। कब से चेंज हुआ है? ये करीब 10-12 साल पहले चेंज किया गया था, तो श्रद्धानंद मार्ग और कोष्टक में जीबी रोड लिखना पड़ता है, और ये ज़्यादा प्रचारित नाम नहीं किया गया, श्रद्धानंद मार्ग जीबी रोड, फिर वापसी में अभी रिटर्न करके फिर जीबी रोड ही रख दिया है। यहाँ गली मोहल्ले वाले जो लोग रहते हैं, चलते बात करते हैं, तो जो गली मोहल्ले के लोग जो है, तो जैसे अभी इस यहाँ पर निहारियो है, फराश खाना है, और इधर आ जाओगे तो गली सितारा है, यहाँ के जो लोग हैं उनके रिश्तेदार आते हैं और ऑटो टैक्सी में बैठते हैं, तो जीबी रोड कहने में उन्हें असहज होता है, उन्हें लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो उनको गलत नज़रों से देखने लगते हैं। तो शादी रिश्तेदार जो होते हैं, लड़कों की शादी करने, बच्चों की शादियों के घर देखने जाते हैं, तो पूछते कहाँ रहते हैं आप, तो बड़ा उन्हें शर्म महसूस होती है। पहाड़गंज एड्रेस देंगे या वो बताएंगे, हम एड्रेस बताने से बचते हैं, एड्रेस बताने से असहज हो जाते हैं, मतलब शर्म से महसूस होती, क्या बताए, एकदम घबरा से जाते हैं। यहाँ कोठे चलते हैं, कितने लगभग कोठे होंगे यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 25-30 कोठे हैं। और यहाँ पर जो सामान्य परिवार रहते हैं, जिनका और कोई व्यवसाय है और कोई काम करते हैं, वो कितने परिवार रहते होंगे अंदाजन? 4-5 हज़ार परिवार है इन गलियों से जुड़े हुए, करीब 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार परिवार रहते हैं, लाखों की आबादी है इन गलियों में। मटिया महल विधानसभा और अगली एक विधानसभा है चांदनी चौक विधानसभा की, जो जुड़ती हैं, जैसे इमरान हुसैन के इसी इलाके में पड़ते हैं, जो फराश खाने से जाते हैं ना, इमरान हुसैन जो मंत्री भी है दिल्ली सरकार में, वो भी इसी रोड से ही जुड़े हुए हैं। कहानी क्या है, कहानी कब से शुरू हुआ यहाँ पर, ये धीरे धीरे जो बस्ता चला गया, ये कोठे बस्ते चले गए, कब से? अब अंग्रेजी जमानों के, ऐसा मैं सुनता हूँ, मैं तो प्रेजेंट 26 ईयर से रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ जो अंग्रेजों के ज़माने के जो अधिकारियों के, जैसे आर्मी के लिए बनाए गए थे, जब वो चले गए तो खाली हो गए, तो उन्होंने यहाँ नेपाली लोगों को, सेक्स वर्कर को बसाया था। उसके बाद धीरे धीरे आम लोग भी इसमें जुड़ते गए, और जिनको जैसा पानी की तरह जैसे जाता है नीचे को, तो गलत रास्ते की ओर लोग जल्दी जुड़ जाते हैं, तो ऐसे धीरे फलता फूलता रहा, और इनमें बड़े बड़े लोगों का सहयोग है। अपराध की क्या यहाँ पर है, अपराध किस तरीके से, सुनते हैं कि लूट पाट भी हो जाती है, तो कुछ है ऐसा यहाँ पर? अपराध तो क्राइम है इधर, लेकिन क्राइम वो ऐसा है सबकी मिलीजुली, मतलब काम तो ईमानदारी के साथ होता होगा, नीचे बहुत सी दुकानें भी दिख रही हैं, तरह तरह की मार्बल की दुकानें हैं, तो इनको ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, और हमसे परेशानी नहीं, हमको आपसे परेशानी नहीं। अब जैसे दुकानदार है, दुकानदारों का जो सेक्स वर्कर लेडीज़ है उनका कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल संपर्क नहीं है, और ना ही वो इसको रोकने के लिए कोई कोशिश करते हैं, ना ही वो ये कहते हैं कि हमें इनसे कोई दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। परेशानियों और तमाम समस्याओं को समझने के बाद हमको एक शख्स मिले जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो दुकानें संचालित हैं, जो दुकानें यहाँ पर चलती हैं, जो दुकानें यहाँ पर किराए पर उठी हुई हैं, वो बिल्डिंग दरअसल उन्हीं की है। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आज तक उनका किसी से भी किसी भी चीज़ को लेकर विवाद नहीं रहा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दो अलग अलग पेशे यहाँ बड़ी शांति से चलाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी दुकान है यहाँ पर? सारी बिल्डिंग मेरी है। आपकी है? अच्छा, ये मोहन ढाबा, ये सब आपकी ये दुकानें हैं? अच्छा, आपने दुकानें उठा रखी होंगी, किराए पे दे रखी होंगी?
शुरू से फादर के टाइम की है, फादर के टाइम की। कितने साल हो गए होंगे सर? मैं पहले ही हूँ। आपका नाम क्या है? अशोक पुरी। अशोक पुरी। अच्छा पुरी साहब, ये बताइए कि जैसे दुकानें आपने उठा रखी, यहाँ से लंबी वो दूर तक दिख रही, वो आपकी दुकान सारी आपकी? हाँ जी। मैं मेरी काम, मैं तो एक छोटा सा मामूली का फादर के टाइम की है। तो पुरी साहब जैसे कि एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जेबी रोड जैसे जिन चीज़ों के लिए मशहूर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी चलता है, काम चलता है, धंधेबाजी चलती है, ठीक है, उसके बाद आपकी दुकानें हैं, तो कोई समस्या नहीं आती, परेशानी किसी प्रकार की, किसी भी तरह की? देखिए बात यह है, क्योंकि एड्रेस में तो जेबी रोड ही लिखना पड़ता होगा, तो असहजता बहुत होती है। मैं कभी स्कूटर करता हूँ, गाड़ी होती तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई चलो जेबी रोड, कहते आप दिल में जा रहे हो, मैं तो सब मेरी बिल्डिंग मेरी है सारी, वहाँ वो कोने बिल्डिंग भी बनाई है सब महाराज बड़ी कृपा हनुमान जी की। ये मेरे फादर से ना पेशावर के थे पठान, तो उन्होंने आते ही फिर यहाँ पर सब वो तो मतलब कितना मुश्किल होता होगा कि आप सोचते? वही नहीं, हम तो इनको खदेड़ देते हैं कोई बदमाश आए तो। अब तो मैं बीमार हो गया, यहाँ पर हर तरीके का आदमी आता होगा, कहीं से भी किसी प्रकार के लोग आ रहे हैं, अन्य अन्य तरह के हर जगह से आते हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग आ जाते हैं, तो फिर उनसे चाकू दे मेरे सरे सरे हम देखते खुद। पहले तो हम पठान मतलब तकड़े थे, अब बीमार हो गए, हम तो घेर लेते थे, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर दुकान चलाने में व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं है वैसी, सब मिलजुल कर सब सब ये आप चाय क्या ठंडा ले गया आप? कुछ नहीं, बस 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 शुक्रिया। हम हैं कानपुर सच। हाँ। मेरी बहने हैं सगी कानपुर में, मेरी बहने हैं। हाँ। पुरी साहब कितनी उम्र हो गई होगी अभी आपकी? मेरी होगी 72। आप यहाँ बहुत मतलब मेरे हिसाब से 72 हो गई, तो 50 सालों से तो आप काम देख ही रहे होंगे खुद। देखो मैं 51-52 पैसा हूँ, जब मोदी हुआ ना, मोदी और मेरी एक ही है, तो मैं तो तभी से ऊपर ही बनाते थे, इसके ऊपर नहीं मैं पैर। ये जरा दिखा दीजिएगा पूरी साहब की जो दुकान है, पूरी दिखाइएगा, तो ये पूरी जहाँ तक हाँ दुकानें हैं पूरी। हाँ आपकी दुकान आओ दिखा दो जरा कैसी है। तो ये पूरी साहब की दुकानें हैं। भगवान ईश्वर गुरु महाराज जी ने, हम तो आप सही पूछो ईमानदारी, ये रिक्शा चला रहे थे आज। मतलब कहने का ये है कि मेरा फादर ना देता, मैं यहीं पढ़ाऊँ स्कूल में, पहले 5वीं से पढ़ाऊँ स्कूल में जीबी रोड पे, फिर 5वीं 6वीं से फिर इसी कॉलेज में जाकर कॉलेज में। भाई मैं पूछ रहा हूँ, जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कोई पूछता होगा कि कहाँ पर कहाँ से रहते हो, आप बताते होंगे जीबी रोड में। मैं बस ऐसा था, मैं मेरे चारों भाई पाँचों भाई कोई हमसे गलत बोल जाए तो गर्दन मोड़ देते भाई, भगवान कसम उसके गर्दन, जरा उसने गलत बोल दिया तो छोड़ते नहीं थे। मेरे फादर पठान थे, पैंट कमीज नहीं पहनते थे वो, तो अपना सलवार कमीज क्या बा? वो फोटो उनकी हो रही फादर की। पुरी साहब की दुकान है आपकी, उस पर बातचीत कर लें, ये आपकी दुकान है? ये मशीनरी की है, मोटरों की। हाँ जी ये भी है अपनी, ये भी दुकान काफ़ी पुरानी होगी, सॉरी फादर के टाइम की है। ये जिनकी है उनके पिताजी की फोटो, ये जो चलाते हैं ना, ये मेरे भाई हैं, कज़न हैं, ये इनके गुरु जी हैं। हाँ जी, हाँ जी शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, दुकान आपकी है? दुकान बाबू जी की है। आप देखते हैं इसको? अच्छा, तो एक बात है, ये मैं बहुत मतलब सीधी बात है मेरी, सटीक सवाल है कि जैसे कि यहाँ जीबी रोड जैसे मशहूर बहुत है, जीबी रोड ठीक है, लोग यहाँ से आते हैं, जो काम चलते हैं व्यवसाय वो हर एक चीज़ है। आप लोगों को किस तरीके की परेशानी आती है कि आपकी, ठीक है ये दुकान है जो समर सिविल पंप की है मेरे ख्याल से, ठीक है ये बिकता है आपके, आप पंप भी बिकते हैं, इंजन सेट भी बिकते हैं, तो आपको किस तरीके की परेशानी आती है कहीं बताना हो कि यार हमारी दुकान वहाँ पर है जीबी रोड में, लोग तो फिर अलग ले जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल में क्या है, मशीनरी की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। मशीनरी की ऐसी कोई बात नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मशीनरी की, एशिया की नंबर वन मार्केट है। बड़ी बड़ा बढ़िया चीज़ सुनने को मिली, एशिया की नंबर वन मार्केट है मशीनरी की है। हाँ जी, तो आप कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? हाँ तो ऐसे सब लोग अपना व्यवसाय करते हैं, आपका उनसे कोई मेल जोल नहीं, उनका आपसे कोई मतलब नहीं? उनका क्या मतलब हमारे से,
कोई परेशानी तो नहीं आती उनकी वजह से आपको कोई? ना, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपसे बात करके आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फरीद साहब, मेरा नाम हिमांशु है, हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान, हाँ हाँ। तो आपकी तो वो जो उधर जाओ ना नैनी साल कैंची की तरफ, तो वहाँ बहुत चौहान है, हाँ। है? मिलते हैं ना, अच्छा। मेरा मंदिर है बाबा नीम कोली महाराज जी का, अच्छा। कैंची में, हाँ, हाँ, जो कैंची था, हाँ, हाँ। आप जानते हो? हाँ, हाँ, मेरे गुरु जी, गुरु जी जाते हैं वहाँ, हम वही विवाली से ना कैंची की तरफ, इधर कटो तो नैनी साल, लेफ्ट को कटो तो कैंची धाम, जो अल्मोड़ा को जाती है उधर जाती है आगे। आप क्या लोग हैं बताइए? कुछ नहीं लूँगा पुरी साहब, बस आपने कह दिया, बहुत बढ़िया। हम पुरी साहब नोएडा से आए हैं, नोएडा में चैनल है हमारा, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी से मैं जाता हूँ वहाँ, बाल भारती स्कूल सब मैं बनवाता हूँ। अच्छा, नोएडा में करोड़ बाग, प्रीतमपुरा, ब्रिज विहार, सब मेरे मेरे पास चेयरमैन लेख रहे चाइना से, उनके लड़के हैं और चाइना से गुजर गए। यहीं से आप चलाते हैं अपनी पूरी दुकान है, ये सब आपकी है इधर? ये उसकी देन है, हमने, हम तो मैं बता रहा पहले आपको, हम तो कोई स्कूटर थ्री व्हीलर चला रहे थे आज, अब हमें फादर ने इतना दे दिया, इतना दे रहे हैं कि पूछे मत। मतलब कोई वैसे जीवी रोड के नाम से कोई समस्या है नहीं, अगर कोई और व्यवसाय कुछ किसी हिम्मत ही नहीं बोल जाए, दबदबा दो भाई गुजर गए मेरे बड़े वाले। उबड़ खाबड़ रास्ते, कार चलती तो है लेकिन रुक रुक कर, इसके साथ ही पतली पतली सड़कें, जिन्होंने आज तक आधुनिकता की आड़ में ये नहीं बोला, धरना नहीं दिया कि चौड़ी कर दीजिए सड़कें, क्योंकि सड़कों के किनारे जो मंजिलें हैं, जो इमारतें हैं, जिनकी सीढ़ियां सकरी हैं, जहां पर बैठी महिलाएं आज भी कह रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता कि आखिर उनकी मंजिल क्या है, क्या कुछ ख्यालात होंगे उनके मन में, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन यहीं इन्हीं सड़कों पर जाती रिक्शा गाड़ियां, जिन पर सवार महिलाएं, जो इस पेशे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती, उन्हें आखिर कैसा महसूस होता होगा? क्या वो इन महिलाओं के दर्द को समझ पाती होंगी? क्या वो समझ पाती होंगी कि इस पेशे के जरिए वो महिलाएं कहना क्या चाहती हैं? क्या मजबूरियां रही होंगी, इस पेशे को अपना पेशा बना लिया क्या? तो इन सब समस्याओं को समझने के लिए, इन सब समस्याओं को जानने के लिए ही आज गाड़ी रफ्तार में है। आज गाड़ी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की चली जा रही है। समस्याएं कई हैं, क्योंकि शक्लों में दिखता है, शक्लों में लिखा हुआ है कि आखिर एक बार जीवी रोड तो आइए, यहां पर जब आइए तो सिर्फ एक मन बनाकर ना आइए, यहां पर तमाम कहानियां हैं जो बसती हैं, यहां वो बच्ची भी है जो टॉप करती है, यहां वो पुरुष भी है जो सिर्फ सुबह दफ्तर जाता है, शाम को घर लौटता है और सामान्य जीवन जीता है। लेकिन क्या हम जीबी रोड को सिर्फ एक धारणा के साथ देख सकते हैं? क्या हम जीबी रोड को सिर्फ उन्हीं तस्वीरों के साथ देख सकते हैं? क्या जीबी रोड को सिर्फ एक पेशे के हवाले कर देना ठीक है? या जीबी रोड, जो यहां के लोगों को सामान्य जीवन बिताने में परेशान कर रहा है, क्या जीबी रोड को सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक इरादे के साथ सोचना ठीक है? या फिर जीबी रोड में बसते उन हजारों परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनका इन चीजों से, इन शब्दों से, इन व्यवसाय से, इन पेशों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग विचार के लोग हैं, दोनों अलग अलग पेशे के लोग हैं, लेकिन क्या इन दोनों के पेशों में कभी आज तक विवाद हुआ? तो सवाल है, हुआ होगा, लेकिन इसका जवाब वहां के लोग जब देते हैं तो चौंकाते हैं। वो लोग कहते हैं कि पेशों में आज तक विवाद नहीं हुआ, सब मिलजुल कर रहते हैं, व्यवसाय बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ दूर से नजर आता है। हर कहानी समाज का ही हिस्सा है, ऐसे में दिल्ली के जीबी रोड की ये जो कहानी है, आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि किस तरीके से दिल्ली का जो जीबी रोड है वो मशहूर है, किन कारणों से मशहूर है, इसके साथ ही यहाँ पर किस तरीके से जो सेक्स वर्कर्स हैं वो रहती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से उनकी जो दिनचर्या है वो होती है, किस तरीके से रात का माहौल कुछ और होता है और दिन का माहौल कुछ और होता है। लेकिन कभी भी किसी के जहन में शायद ये बात ना आई कि वहाँ जो लोग रहते हैं जिनका एड्रेस वो जीबी रोड है, वहाँ जो लोग रहते हैं जिनके एड्रेस में जीबी रोड आता है वो किस तरीके से रहते हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है और मास्टर पूछते हैं कि घर का एड्रेस क्या है,
वो किस तरीके से जीबी रोड बताता होगा। किसी के पिताजी अगर जीबी रोड पर दुकान चलाते हैं तो उनके बच्चे किस तरीके से बताते होंगे कि पापा जीबी रोड पर उनकी दुकान है। इसीलिए ये चीज़ें हैं, एक लड़की एक छात्रा जो स्कूल में पढ़ने जाती है उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी के साथ वहाँ पर शादी ब्याह में किस तरीके की समस्याएँ आती हैं, ये सारे पहलू थे जो जीबी रोड से थोड़ा से हटके थे लेकिन थे वहीं से मिलते जुलते। तो इन्हीं पर आज आवाज़ की टीम ने हम पहुँचे, हमने बातचीत की और ज्या कुछ था ज्यों का त्यों आपके सामने रख दिया। क्योंकि तस्वीरें सबको दिखती हैं लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो नज़र चाहिए वो नज़र बहुत ज़रूरी है। और उसी नज़र को आज मैंने शब्दों से उकेरा है, उसी नज़र को आज मैंने इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है, उसी नज़र को उन सवालों के जवाब के रूप में आपके सामने रखा है जो हर घड़ी आपसे पूछते होंगे कि आखिर जीबी रोड पर जो सामान्य लोग रहते हैं, जीबी रोड पर जो और लोग रहते हैं, उनको किस तरीके से जीवन यापन करने में क्या क्या परेशानी आती है। तो ये सब तमाम सबूत थे, तमाम रिपोर्ट थी, तमाम मालूम थे जो आपके सामने पेश किए गए, हाजिर किए गए, जिसकी बदौलत आप समझ सकें कि वहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं, ये भी और वो भी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, आवाज़ की स्टोरी में इतना ही कुछ, लेकिन अगली दफ़ा हम फिर आएंगे एक नए सोशल शो के साथ, एक नए सोशल मुद्दे के साथ और आपके उसको सामने रखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ रोशनी कम है, जहाँ अंधेरा है और वहाँ पर अगर रोशनी की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक किरण बनकर आवाज़ की टीम हमेशा सामने आती रहेगी। शुक्रिया।